आपका एक सपना है कि पनवेल को विकसित और समृद्ध महानगर पालिका के तौर पर बनाना, जैसे दूसरे जैसे नवी मुंबई है, उसके नजदीक एक सिटी है, पुरातन शहर है और तमाम यहाँ पर प्राकृतिक रिसोर्सेस भी इस तरह के हैं कि इसको उस तरह से डेवलप किया जा सकता है। नवी मुंबई और मुंबई और पुणे का एक तरह से प्रवेश द्वार है ये पनवेल। आपने उसको लेकर बहुत सारा विजन तैयार किया है, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता सर कि जिस तरह से प्रशासनिक बदलाव हो रहे हैं, आयुक्तों का जब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो रहा है, उस वक्त आयुक्तों का तबादला हो गया, दूसरी टेक्निकल चीजें हो गई, तो आपको क्या लगता है सर कि इसमें कौन सी किस तरह की बाधा, इस तरह की कोई पॉलिटिकल बाधा तैयार की जा रही है क्या कि जो आपका ड्रीम है, जो आपका मिशन है कि पनवेल को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाना, उसमें बाधा आ रही है? पनवेल कॉरपोरेशन का निर्माण 2016 अक्टूबर में हुआ और तब से लेकर उससे पहले भी हमने पनवेल कॉरपोरेशन की मांगी इसके लिए कि ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारा कुछ काम करे। हम भाग्यशाली है, गणेश देशमुख जी ने 2 साल पर यहाँ पे काम करते हुए कई सारी चीजों की शुरुआत की है। अब हम तो चाहते थे कि वो कई कुछ और समय तक रहे ताकि अपनी बनाई हुई जो योजनाएं हैं उनके ऊपर अमल होते हुए भी वो देखे। पर राज्य शासन ने कोरोना के चलते थाना में उनकी उनकी मांग की कि थाना में वहां पे कंट्रोल करने के लिए उनके जाने की मांग की और सम्मान्य सुधाकर देशमुख जी यहाँ पर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके माध्यम से काम आगे चलते रहेंगे, पर राज्य शासन जहाँ पर काम करता है वो काम करते वक्त वहाँ की उसके अंडर आने वाले जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसके बारे में जिस जागरूकता से राज्य शासन ने काम करने की आवश्यकता, दुर्भाग्यवश वो है नहीं और उसकी वजह से अच्छे काम करने वाले ऑफिसर्स बिना कुछ बताए गए, बिना कुछ इंटीमेशन दिए, बिना एडवांस इंटीमेशन दिए उनको अचानक से हटाया जाता है और एक काम में बाधाएं आती रहती है। आज पनवेल के क्षेत्र की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़े, यहाँ की जो जरूरतें उनको समझने वाला बंदा उसपे ऊपर काम करते रहे और उतने में ही अगर ये तबादले होते रहे तो उसका